नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हरिहर किले की। इस किले के हैरान कर देने वाले दिलचस्प तथ्यों को एक बार जरूर देखें दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र राज्य में स्थित हरिहर किले के बारे में देखने वाले हैं। हरिहर किला महाराष्ट्र में स्थित एक ऐसा किला है जिसे खतरनाक ट्रेकिंग के लिए जाना जाता है। इस किले को विजिट करना हर किसी की बस की बात नहीं होती है, क्योंकि यहां पर जाने के लिए आपको तकरीबन 80 डिग्री के कोण पर बने छोटी छोटी सीढ़ियों पर चढ़कर एवं पहाड़ों को छोटी हाइट में काटकर बनाए गए गलियारों से गुजरते हुए जाना होता है। दोस्तों, महाराष्ट्र के इस हरिहर किले के बारे में पूरी जानकारी जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हरिहर किला महाराष्ट्र के नासिक शहर के पास में स्थित काफी मुश्किल ट्रैक वाला एक किला है। यहाँ पर जाने के लिए तकरीबन 80 डिग्री खड़ी पहाड़ी पर ट्रैकिंग करना पड़ता है। इस किले में पहुंचने के बाद आप यहां पर हनुमान जी, शिव जी के छोटे प्रतिमाओं का दर्शन भी कर सकते हैं। पहाड़ी की चोटी पर स्थित इस किला के पास जाने के यहां पर एक तालाब को भी देखा जा सकता है। इस किले का इतिहास 9वीं से 14वीं शताब्दी के बीच के समय का बताया जाता है। यह किला वर्तमान समय में इतिहास प्रेमी और ट्रैकर्स के द्वारा काफी ज्यादा विजिट किया जाता है। दोस्तों, हरिहर किले की चोटी से आपको प्रकृति की सुंदरता का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। नासिक के पास आप और भी कई किले देख सकते हैं। यह अपने अजीबोगरीब रॉक कट स्टेप्स के कारण कई पर्यटकों को आकर्षित करता है। अपनी संकीर्णता के बावजूद हरिहर किला ट्रैक काफी कठिन है। इसे मराठी में हरिहरगढ़ या हरिहर किला कहा जाता है। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण किले का निर्माण महाराष्ट्र को गुजरात से जोड़ने वाले गोंडा घाट के माध्यम से व्यापार मार्ग को देखने के लिए किया गया था। आज यह किला ट्रेकर्स का केंद्र बन गया है। महाराष्ट्र राज्य के खूबसूरत शहर नासिक से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह हरिहर किला काफी पौराणिक एवं चैलेंजिंग ट्रैक वाला किला है। यह हरिहर किला एक ऊंची सी पहाड़ी की चोटी पर 170 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। हरिहर किला के इतिहास यादव वंश के राजाओं के शासनकाल के दौरान का बताया जाता है। दोस्तों, महाराष्ट्र के इस हरिहर किले पर कई राजाओं ने आक्रमण कर इस पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। यहां तक कि इस किले पर ब्रिटिश सेना का भी साम्राज्य स्थापित हुआ करता था। इस किले को ब्रिटिश सेना द्वारा तबाह करने के बारे में निर्णय लिया गया, लेकिन इसकी 80 डिग्री वाली ट्रैकिंग चढ़ाई को देखने के बाद इसे बर्बाद करने का फैसला बदल दिया गया। वर्तमान समय में यह हरिहर किला एक खंडहर के रूप में तब्दील हो रहा है। दोस्तों, हरिहर किले की वास्तुकला के बारे में बात करें तो यह किला देखने में इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर पहुंचना तकरीबन हर ट्रैकर्स का सपना होता है। हरिहर किले तक पहुंचने के लिए आपको तकरीबन 80 डिग्री के एंगल पर बनी सीधी सीढ़ियों पर चढ़कर जाना होता है। समुद्र तल से तकरीबन 3500 फीट की ऊंचाई पर स्थित हरिहर किला और यहां से दिखने वाला दृश्य काफी ज्यादा आकर्षक होता है। दोस्तों, शांत वातावरण में स्थित यह हरिहर किला वैसे लोगों के लिए नहीं है जिन्हें ऊंचाई से डर लगता हो। जब आप इस हरिहर किले को विजिट करेंगे तो यहां पर आपको एक छोटी सी हनुमान जी की प्रतिमा के साथ साथ शिव जी की प्रतिमा देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर कई पानी की टंकी भी देखने को मिल जाती है। पहाड़ के ऊपर चोटी पर बने इस हरिहर किला तक पहुँचने के लिए आपको रॉक कट सीधी सीढ़ियाँ एवं पहाड़ों को खोदकर बनी गुफा से होकर गुजरना पड़ता है, जो काफी ज्यादा साहसी लोगों का काम होता है। दोस्तों, हरिहर किला 170 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। इस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के लिए आपको तकरीबन 80 डिग्री के कोण पर बने सीधी छोटी छोटी सीढ़ियों पर चढ़कर इस किले को विजिट करना पड़ता है। हरिहर किले की ट्रैकिंग काफी ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। यहां पर हर किसी का जाने की बस की बात नहीं है।
रॉक कट से निर्मित छोटी छोटी सीढ़ियां एवं पहाड़ को काट कर बनाई गई इस किले तक पहुंचने के लिए गुफा काफी ज्यादा भयावह एवं डरावना दिखता है। दोस्तों, हरिहर किले ट्रैक के बारे में अभूतपूर्व बात यह है कि यह बेस गांव से आकार में आयताकार प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में यह किला चट्टान के त्रिकोणीय प्रिज्म पर बना है। यह चट्टान के किनारे लंबवत हैं, जो इसे अति प्राचीन किले की विशिष्ट विशेषता प्रदान करता है। ये रॉक कट सीढ़ियां ट्रैक का मुख्य आकर्षण है, जो इसे संपूर्ण सह्याद्री रेंज में सबसे प्रतिष्ठित चढ़ाई बनाती है। दोस्तों, शायद आपको यह बात पता नहीं होगी कि हरिहर किले का ट्रैक छोटा है, फिर भी काफी प्रसिद्ध है। आखिरी 200 फीट की चढ़ाई एक परेशान कर देने वाली चढ़ाई है। सीढ़ियां कुल मिलाकर लगभग 200 सीढ़ियां हैं और 80 डिग्री पर झुकी हुई हैं। दोस्तों, किले के खंडहरों में जाकर आप यादव वंश और महाराष्ट्र के अन्य शासकों के बारे में जान सकते हैं, साथ ही पहाड़ी पर ट्रेकिंग करके प्रकृति की सुंदरता का आनंद भी ले सकते हैं। दूसरे ट्रैक की तुलना में यह ट्रैक उत्साह और रोमांच से भरपूर है। तो दोस्तों, ये था हरिहर किला। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही अपने दोस्त और परिवारों के साथ भी वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो आप नीचे दिए गए लाल कलर के बटन प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप इंस्टाग्राम फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर हो तो आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी हम रोज नए नए ट्रैवल फैक्ट्स वीडियो डालते रहते हैं। वीडियो आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।